कहते हैं भाई जगदीश जी, बिडिया सर जी जो कहते हैं कि भाई मैं तो बहुत भुगत के आया हुआ हूँ, मंच के साइड में खड़ा होकर के मुंह पिया खा खा करके टाइम पास करा था रालोपा में, अपने बीच में एक और भी जने हैं जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही जोर से जोरदार तरीके से जिन्होंने अपनी बात रखी, महिपाल जी महिला जी जो फतेहपुर से आए हैं, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्टेट लेवल के प्रवक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको भी समझ में आया कि भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ इनके बारे में, असली कथनी करने में बहुत फर्क है, तो इनका भी मोह भंग हुआ रालोपा से और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोगों ने स्कीम लड़ाई की ऐसा नहीं हो जाए कि ज्योति मिर्धा जीत जाए, आप लोगों का बहुत आशीर्वाद था मुझे उस समय, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हमारे खिलाफ थे उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी को निर्दलीय खड़ा किया, वो खुद चुनाव नहीं जीते, उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन वो हमें भी चुनाव हरा बैठे, कोई बात नहीं, मोदी जी की लहर थी और बहुत ही एक अच्छे इंसान को आपने चुन करके यहां से लोकसभा में भेजा, उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की बात करी, विकास कार्य करवाने के काम करे, समाज के जितने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा सकते थे ऐसी बात करी। फिर समय आया 2019 का, फिर से मोदी जी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझसे संपर्क साधा था कि हम चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। कुछ 19-20 हुआ, कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे थे और एक गठबंधन हो गया, ये मेरे सामने चुनाव लड़ लिए और यहां से जीत करके लोकसभा पहुंचे। लेकिन साथियों, नारा उस टाइम पर क्या दिया, उस टाइम पे हमारे जो छोटे भाई थे ना जो साथ में वानर सेना में घूमते थे, वे कह दिया कि भाई बुआ जी है जकाने दिल्ली फुगाओ, फूफा जी क्या पड़े रोटियां का फोड़ा पड़े, मैं देख भेजा काम कर दियो यार, क्या पे काई हुई, तो वे भाई टाइम बदल गई, फूफा जी आज स्टेज मत ही है मैंने क्यों भी टाइम क्या बुआ जी था, तो भाई नरेंद्र जी भी आज यही आश्वासन देने आए, मेरे सासू जी भी परिवार के और भी लोग बैठे हैं, सबने जिद करके मंच पे बुला लिया, ये आना नहीं चाहते थे मंच पे, पर इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा है मैं तो एक टाइम खाना खाता हूँ कोई भी फल के पौधे का, पर ये तेरे नागौर से जाए बाद जो तेरे भतीजे है ना किसी को नशे की लत पड़ गई और किसी के कानूनी पीछे कार्रवाइयां हो रही है, तू जाकर के इनको एक बार फिर से संभाल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्योता आया, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और आज आप लोगों को एक बार इस मंच से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि देखो जिम्मेवारी हर आदमी महसूस करता है, मुझ पे बहुत भार है इस चीज का कि आपने जो परिवार को हमेशा समर्थन दिया, मेरे भी भगवान की दया से एक बेटा है 12वीं में पढ़ रहा है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, फुटबॉल ज्यादा अच्छी खेलता है, पूरा विश्वास है मुझे कि उसका भी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा और इस साल वो भी चला जाएगा, तो बुआ जी बिल्कुल फ्री है भतीजों को ठीक करने के लिए। तो भाई परिवार की तरफ से पूरी छूट है, बिल्कुल फ्री है, सामने वालों ने उठा करके एक आरोप लगाया कि साहब चार जनरेशन इनकी आ गई और यहाँ पे नेतागिरी कर गए, इनका हेडक्वार्टर पे मकान नहीं है, मैंने कहा 10 शहरों में ले रखा है, एक शहर में और सही, आने से पहले मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई और आज जब मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया है तो 111 नंबर अमर सिंह कॉलोनी स्थायी पता, किसी की जरूरत नहीं है, सीधे आओ सीधे मिलो, तो ये भी ओल्बा किसी को नहीं मिलेगा मेरे किसी कार्यकर्ता को, इसकी भी व्यवस्था करके इस बार नागौर में पैर रखा है अपन ने। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, देखो मेरे साथ कभी भी कोई जुड़ा हुआ रहा, चाहे कांग्रेस पार्टी का था चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कभी काम कराने आ जाते थे, ना तो मैंने कभी भेदभाव रखा, और अब तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस परिवार में नहीं आई हूं, यहां पे जो लोग पहले से स्थापित हैं चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो,
आपको आगे रख के चलेंगे, आपका पूरा मान सम्मान करेंगे और जो वाजिब काम आप बताओगे उसको करने में आपको प्राथमिकता देंगे। भाई हम भी आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, तो कह रहे नहीं कि भाई गुड़ की बेड़ी पड़े जना की रेत ले रही ऊट है, तो मां भी आया आ जना की ले रही आया, हाँ भी कोई नतीजो है कि आप देखो इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी संख्या में बैठे आप लोग सब विराजमान हो, माँ को बात 3 घंटा होगी सब वहां चालता माया भी थोड़ा मुड़ा ही बच्चों भरने पहले गया प्रा क्योंकि भाई वो मोहरत औरत को टाइम हुआ नहीं, पंडित का ही हुआ कि मन में वो घाल देवे शंका कि मोहरत और गाड़ी और नुकसान हो जावे जाना खड़ खप तो भाभी गिड़गिड़ाहट नहीं रहनी चाहिए मन में। तो बिल्कुल घड़ी देख करके मोहरत के हिसाब से मैंने मेरा पर्चा दाखिल कर दिया। आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में आ गए और कोई ज्यादा लंबी बात करने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विश्वास जता करके मुझे यहां भेजा, हमने तो सोचा था कि भाई शायद एमपी का ही चुनाव लड़वाएगी पार्टी, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास रखा नागौर हेडक्वार्टर पे प्रत्याशी बना करके भेजा आप लोगों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी मानती हूं मैं इस चीज को कि मेरे नागौर की जो सेंटर है उसमें नागौर विधानसभा और पूरे राजस्थान का अगर कोई सेंटर है तो वो नागौर लोकसभा। तो जो आवाज आप लोगों की आज यहां उठेगी वो आवाज पूरे नागौर में जाएगी और नागौर से वो पूरे राजस्थान में फैलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो 2023 की जो राज्य में सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप लोगों के आशीर्वाद आपकी मेहनत की वजह से बनेगी। हम भी अपना प्रयास करेंगे, जहां कहीं प्रचार प्रसार के लिए जाना होगा हम जाएंगे। मंजू बागमार जी का कल नामांकन था, मैं आपको बताऊं इतनी जोरदार रैली हुई, इतने सारे लोग आए, उससे 2 दिन पहले जायल की तो भारी पूरी बोतल मां खाली कर दी, निवेड़ दी, हाँ भी निवेड़ दी, बोतल से कोई बैर नहीं था। लेकिन जो कहते हैं कि हम संघर्ष करते हैं, हमने पार्टी बनाई, पार्टी तो 2500 बनी हुई है इस देश में, और जिसको आप संघर्ष की संज्ञा देते हो हम उसको पार्टी नहीं बोल करके मैं उसको कहती हूँ गिरोह है, गैंग की तरह चलाते हो, बच्चों को गलत रास्ते ले जाते हो, मेरे नौजवान साथियों को बरगलाने की बात करते हो, आप उंगलियां उठाते हो कि भर्तियों के अंदर पर्चा लीक हुआ, उसके अंदर आपके भी तो लोग थे जिनका नाम आया। वो सुरेश ढाका जिसकी फोटो आपके दफ्तर में बैठे हुए सोशल मीडिया पे चल रही थी, जो कि सरगना है पेपर लीक का, वो आपके सामने बैठ करके दांत निकाल करके फोटो खिंचवा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी भी उसके साथ में साठ गांठ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे नेतृत्व से कि इसकी पूरी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होए, और जो ये मेरे युवा साथियों को जो बरगलाते हैं कि तुम्हारी नौकरियां कांग्रेस ले गई, अरे कांग्रेस नहीं, तुम भी उसमें भिड़म शामिल हो। आपके यहां पे स्पर्धा चौधरी जी का नाम आया, स्पर्धा चौधरी जी कौन है? आरएलपी में आपकी पदाधिकारी। आज की तारीख में जिस मुद्दे पे हाथ रख दो कहीं ना कहीं या तो कांग्रेस की आरएलपी के साथ में घालमेल देखने को मिलती है। आज हमारी टिकट को घोषणा हुए 15 दिन हो गए, भाई कांग्रेस का और आरएलपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया? सावधान रहना हमें, सोचने की बात है, गांव में गट्टे पे बैठा हुआ आदमी सोच रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्योति को फिर से कैसे एक षड्यंत्र रच के कैसे उसको घेरा जाए, वो क्या गुड़िया मिल नहीं रहा है, इसलिए अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे लाए, वोटों की गिनती ऐसे मिला।